कोयटा से सईद रईसानी साहब पूछते हैं कि जब सब कुछ अल्लाह ताला की मर्ज़ी ही से होता है तो फिर एहतियात करने की क्या ज़रूरत है? देखें, हमारी शरीयत ने और हमारे दीन ने जहाँ ये हमें बताया है कि सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है, दुनिया में कोई एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता, जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मशीयत और इरादे से होता है, वहीं अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी की तालीमात से हमें ये बताया है कि ये दुनिया दारुल असबाब है और अल्लाह ताला ने चीज़ों को असबाब के साथ जोड़ रखा है और असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया है और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना भी शरीयत की तकहीद का तकाजा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। आप अगर ये कहते हैं कि जी जब सब कुछ अल्लाह की तकदीर से होता है तो फिर हमें असबाब इख्तियार करने की या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की क्या ज़रूरत है, तो फिर आप बुखार में पेनाडॉल भी ना खाएँ, आपके पेट में दर्द हो तो आप डॉक्टर के पास ना जाएं, आपको हार्ट अटैक हो तो आप अस्पताल में ना जाएं, आपको ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाए तो आप गोली ना खाएं, वहाँ क्यों खाते हैं? वो भी असबाब ही तो हैं। जब सब कुछ अल्लाह की तकदीर से होता है तो आप बाकी सारे अमराज का इलाज क्यों करवाते हैं? इसलिए कि हमें हुक्म है या इबादल्ला दावू मर्जाक तदावू मर्जाकों, अपनी बीमारियों का अपने बीमारों का इलाज किया करो, तो ये शरीयत का हुक्म है। वैसे तो छुरी काटती है, वो कटने का एक सबब है, लेकिन कोई अपने गले पर छुरी चलाएगा कि जो कुछ अल्लाह ने तकदीर में लिखा हुआ वही होगा? आग जलाती है तो अब हम उसके उस ज़ाहरी सबब होने की बिना पर उससे बचते हैं कि ये जलाने का सबब है, कोई उसमें कूदता नहीं है, हालांकि वो भी अल्लाह के हुक्म की मोहताज है, अल्लाह का हुक्म होगा तो जलाएगी वरना नहीं जलाएगी। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया और गुलजार बना दिया, तो अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो सबब वो असर नहीं करेगा, लेकिन उमूमी तौर पर अल्लाह ताला ने असबाब पैदा ही इसलिए किए हैं कि उसके ऊपर मुसब्बबात का तरतुब होता है, तो दारुल असबाब है, उसमें असबाब इख्तियार करना भी शरीयत का हुक्म है। और इसी बिना पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सुनो किसी जगह पर ताउन है तो फला तदखुलो फला तकदमो अलैहि, उसकी तरफ चल कर ना जाओ, और जब तुम किसी जगह पर हो और वहाँ ताउन हो तो फला तखरुजु फिरारा मिन्हु, उससे निकलो नहीं। तो ये हुक्म क्यों था? इसलिए कि ज़ाहरी तौर पर ताउन एक से दूसरे को लगता है, फैलता है, तो जो लोग वहाँ मौजूद हैं तो उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए ताकि दूसरे लोग मुतासर ना हों, और जो बाहर हैं उनको वहाँ जाना नहीं चाहिए ताकि इनको वहाँ जाने से वो बीमारी लगने का अंदेशा ना हो। होगा तो वही जो अल्लाह को मंजूर होगा, लेकिन ज़ाहरी सबब है वो एक से दूसरे को वो बीमारी लगती है, और ये जरासीम जिसकी बात हो रही है ये तो ताउन से बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ दूसरे को लगता है, फैलता है। ताउन तो एक मुतय्यन चीज़ होती है, हर आदमी जिस जो उसमें मुबतला होता है वो उसको उस ताउन का फोड़ा निकलता है, सबको नज़र आता है, लोग उससे एहतियात करते हैं, फिर वो इतना जल्दी मुंतकिल नहीं होता। कोरोना वायरस तो ऐसी चीज़ है कि वो बहुत जल्दी एक से दूसरे की तरफ मुंतकिल होता है, उसके कई घंटे उसकी हयात होती है, और वो एक आदमी जो कोरोना वायरस से मुतासर है बाज़ औक़ात ख़ुद उसे भी पता नहीं होता कि वो मुतासर है, और उसे पता चलने तक वो बीसियों लोगों को मुंतकिल कर चुका होता है। ठीक है, तो दारुल असबाब है, इसमें असबाब को इख्तियार करना शरीयती का तकाजा है। इस पर एक बात और मैं अर्ज़ करूँ, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम जा रहे थे फ़लस्तीन बैतुल मक़दस की चाबियाँ वसूल करने के लिए, जब वो शाम के किनारे पर पहुँचे तो पता चला कि वहाँ ताउन है, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वहाँ के गवर्नर थे या सरबरा कमांडर थे, उन्होंने आकर बताया कि यहाँ तो ताउन फैला हुआ है। आपने अंसार से मशवरा किया, इख्तलाफ हुआ, महाजरीन से मशवरा किया, इख्तलाफ हुआ, फिर आपने महाजरीन के मशायख को, बड़ी उम्र के मशीखतुल महाजरीन को जमा किया, उन सब ने इत्तफाक से मशवरा दिया कि आपको सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए और शाम में नहीं जाना चाहिए। इतनी देर में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला ने तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर यह कहा कि मेरे पास इस बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और फिर वो उन्होंने ये हदीस सुनाई जो मैंने इससे पहले ज़िक्र की है। तो उस मौके पर हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने हदीस सुनने से पहले ये फ़रमाया कि क्या आप तकदीर से भाग रहे हैं,
तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उन्होंने फरमाया कि नफ़िरु मिन क़दरिल्लाह इला क़दरिल्लाह, हम अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं अल्लाह की तकदीर की तरफ, यानी यहाँ तकदीर है तो वापस जा रहे हैं, तो वो भी तो तकदीर ही की बिना पर जा रहे हैं, वो भी अल्लाह ताला ने लिख रखा है, और यहाँ जाने से बीमारी लगेगी या नहीं लगेगी ये भी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं होगा, और वापस जाने से हम बच जाएंगे ये भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होगा, तो अल्लाह की तकदीर से तकदीर की तरफ जा रहे हैं। मतलब यही था कि हमें यहाँ असबाब इख्तियार करने का हुक्म है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म है, उस हुक्म की तामील में हम वापस जा रहे हैं।